अब इस वीडियो में छोटे से लड़के को जिम करते हुए देखकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन बता दें कि इसकी उम्र 20 साल है और यह महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है। इसका नाम प्रसिक थुलकर है। इसकी अपनी हाइट की वजह से लोगों ने काफी इसे हीन भावना की नजर से देखा है और इनके परिवार वालों ने भी इसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे, पर इसने अपनी हाइट की कमी को ना देखते हुए अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देते हुए आज जिम की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है और यह जिस भी जिम और फिटनेस की एग्जीबिशन में जाते हैं यह लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। वहीं इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए फिटनेस वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका यह सफर कैसा रहा और ये फिटनेस की दुनिया में अपने कैसे नाम बनाए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशिक थुलकर है। कहाँ के रहने वाले? मैं नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले? यस। हाइट क्या हो? मेरी हाइट तो 3 फीट 10 इंच है। 3 फीट 10 इंच? हाँ। कितने साल के हो? मैं 20 साल का हूँ। बॉडी भी आपकी काफी अच्छी है, तो क्या है उसका राज और आपने कब से जिम करना शुरू किया था? मुझे तो जिम स्टार्ट हुए 3 साल हुए। इसके पहले मैं लॉकडाउन में घर में करता था, फिर मोटिवेशन मिला धीरे धीरे। घर के पास एक जिम खुली थी जो थी 700 रुपये महीना, बस 700 रुपीज। तो वहाँ जाके मैं बस जिम करता था। मोटिवेशन मिली कि कुछ है, क्योंकि मेरे लाइफ में पहले मेरी हाइट की वजह से मुझे पूरी दुनिया चिढ़ाती थी, बहुत कुछ बोलते थे, इसके बहुत कुछ झेला है मैंने। फिर जिम धीरे धीरे जिम बॉडी बनी, फिर लोगों को पता चला कि ये इतना सा मतलब इतनी सी हाइट है पर तभी भी इतना कुछ कर सकता है। फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन खेला हूँ, फिर नागपुर में भी मैं पहला शो खेलता था, तो फिर पहले शो से मैं इतना फेमस हो गया तो नागपुर में मेरे अभी भी नाम है, बहुत नाम है। फिर अभी धीरे धीरे अभी मेरे जिम मतलब मैं जो जिम में हूँ द मसल हाउस जिम है, उसमें मैं अभी ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनर भी? हाँ जी। कब से आप ट्रेनिंग देते हो? मुझे अभी नवंबर से, बस यही नवंबर। तो सर, जिम का कैसे ख्याल आया कि हम चलो अपने से जल्दी रखने के लिए जिम करते हैं? लॉकडाउन में देखो क्या बोलते हैं, कंडीशन ही ऐसी थी कि क्या करे लोग। हाँ हाँ हाँ, वर्कआउट से मतलब जो इम्यूनिटी पावर है उससे लोग अच्छे रहते थे, फिट रहते थे। पर मैं पहले फुटबॉल खेलता था, तो उसमें कैसे थोड़ा स्टैमिना चाहिए था, तो घर में मोटिवेशन आया कि कुछ करे, तो मेरे पापा ने डंबल बना के दिए थे सीमेंट के, तो उससे ही वर्कआउट करता था। फिर तो सर, आपकी बॉडी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपको शेमिंग करते हैं? हाँ, पहले बहुत करते थे, अभी कुछ नहीं। अभी तो लोग आते हैं मेरे पास फोटो खिंचवाने, ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे फैमिली बस ये मेरी फैमिली बहुत खुश है। पहले तो बहुत ये करते थे, मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे वाले भी पहले बहुत सारे। हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली मुझे पहले बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो कुछ हो ना सके, लोग कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे। तो पर अभी डायरेक्ट बोलते थे, तू जा बिंदास जा कुछ भी करके, तू पता है मुझे कि तू इतना मतलब अभी इस फेडरेशन में फेमस हो गया है, इसलिए मुझे अभी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। पूरी जिंदगी बदल। हाँ जी। आपके घर पे कौन कौन? मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन। तो वो लोग क्या करते हैं? मेरे पापा का तो शॉप है, जनरल शॉप। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरी दीदी कॉलेज कर रही है। आप पढ़ाई क्या करते हैं? मैं अभी सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग बीटेक। तो सर, आप अगर आपकी डाइट की बात करूँ तो आप डाइट क्या लीजिए? मेरा डाइट एकदम क्लीन डाइट है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे क्लीन डाइट, नो चीट मील कुछ नहीं, बस बीच बीच में चीट मील करता हूँ। जैसे कि सुबह उठे बराबर ओट्स नहीं तो ब्रेड पीनट बटर, फिर पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, फिर पोस्ट वर्कआउट में मेरा प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स है वो, फिर घर में जाके 100 ग्राम चिकन, 250 ग्राम राइस और सलाद बस, और दही थोड़ी सी बस, और फिर रात इवनिंग में स्नैक्स में ओट्स मिल, फिर से ओट्स मिल, फिर डायरेक्ट शाम को डिनर चिकन एंड राइस। ओके, वेज नॉनवेज दोनों? हाँ जी हाँ। सर, आप सॉरी सवाल था कि जब आपने जिम शुरू किया तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम था, कौन सी चुनौती का ज़्यादा सामना? आपने जब जिम शुरू किया होगा तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा प्रॉब्लम होता, मतलब कौन सी चुनौती का ज़्यादा सामना करना पड़ता? अच्छा, मशीन है की मतलब जो ये हाइट बढ़ी है तो उस मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर लोग जो मेरा पार्टनर है, जैसे कि अभी ये भैया इनको मैं सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग भी? हाँ। क्या बोलना चाहते हो अपने ट्रेनर के बारे में? नवंबर से सर ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे को, और मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए सर ने।
अबाउट में नवंबर के पहले 80 kgs अबाउ था, नवंबर के बाद सर ने मेरे को लीन मसल मास गेन करते हुए अभी 70-75 kgs पे लेके आया और अच्छा लीन कर दिया मेरे को। पहले बहुत ब्रॉड था मैं, बहुत ब्रॉड था, अभी सर ने लेके आया मेरे को खुद को अच्छा लगता है और सर फुल सपोर्ट करते हैं मेरे को और मैं भी सर को फुल सपोर्ट करता हूँ। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तन्मय भारद्वाज है। तो सर अगर और आपसे गाइडेंस चाहिए कि जो बच्चे जिम नहीं जाते उनको क्या क्या टिप्स देना चाहिए? देखो लाइफ में तो कुछ भी, तो बस लाइफ में खुद की बॉडी की कोई केयर नहीं करता, पर अभी जैसे कि अभी कोरोना गया है तब से लोग खुद की बॉडी की केयर करते, तो वही बोलना चाहते कि अपनी खुद की बॉडी को केयर करो, खुद के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, खुद को मतलब अंदर जो भी है बीमारी है वो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे जो वर्कआउट के वर्क।